तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में ओके कोड का हमारा कोडिंग का हमारी पहली क्लास है कि हम कोडिंग किस तरह से करेंगे। चलिए इस पे आपके साथ हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब है, नहीं है तो एक्सेल ऑप्शन से ले आइए। उसके बाद हम जाते हैं फाइल को सेव करते हैं, एक करना मत भूलिएगा, फाइल को सेव हमेशा कीजिएगा डॉट xlsm, मतलब कि माइक्रो अनेबल पर। ये दो चीज कर लीजिएगा, माइक्रो सिक्योरिटी आपका अनेबल देख लीजिएगा, अनेबल होना चाहिए। अनेबल होने के बाद अननोन सोर्स से माइक्रो वाली फाइल को रीड करते समय केयरफुल रहिएगा। ऐसी चीजें पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिर हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे, जिसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, इनबिल्ड होता है एक्सेल के साथ। इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोडिंग करते हैं मॉड्यूल पे करते हैं, और ये जहां से मॉड्यूल वगैरह नेविगेट करते हैं इसको प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करते हैं। अगर नहीं है तो आप यहां से ला सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर। सबसे पहले आपको एक माइक्रो डिफाइन करना होगा, तो मैंने यहां सब आर आर करके ऐसे कुछ नाम दे दिया, ये माइक्रो डिफाइन हो गया। मतलब कि अब मैं माइक्रो में जाऊंगा तो ये हमारा आर आर वन दिखेगा। अब क्वेश्चन करते हैं कि कोडिंग क्या करें। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था फर्स्ट क्लास में कि बेसिकली चार मेन एप्लीकेशन, चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन, वर्क, बुक, शीट्स एंड रेंज। मतलब कि चार मेन ऑब्जेक्ट, इसी से कोड, मोस्टली कोड इन्हीं चारों से स्टार्ट होता है। जैसे कि अब कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस बोलते हैं या हिंदी में कोई सेंटेंस मिलते हैं तो नाउन प्रोनाउन या संज्ञा सर्वनाम से शुरू होता है क्या, उसी तरह से एक्सेल को भी, इस वीवीए को भी आप एज ए कोडिंग क्लासेज नहीं, एज ए लैंग्वेज सीखिए। आप सोचिए कि आप कैसे अपने एक्सेल से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपकी चीजें, आपकी कहीं, आपकी जो आप जो करना चाहते हो एक्सेल कैसे समझेगा। इस तरह सोच के आप थोड़ा सा साइकोलॉजी इस तरह सोचिए और सोच के समझिए। तो कोई भी सेंटेंस, हम जब कुछ किसी को कहते हैं तो एक सेंटेंस में कहते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको कुछ बोला तो एक सेंटेंस बोलूंगा ना सर, तो सेंटेंस का पहला वर्ड नाउन प्रोनाउन या संज्ञा सर्वनाम, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो संज्ञा सर्वनाम जानते हैं, वो होता है। उसी तरह से एक्सेल के अंदर जब भी कुछ करना है आपको, तो वीवीए को हम एक लाइन लिखते हैं, तो लाइन ऑफ कोड कहते हैं, एक काम के लिए एक लाइन। उस लाइन का पहला कोड जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट चारों में से कोई एक होगा, इन चारों में से कोई एक होगा, राइट राइट जी सर। अब कैसे होगा, तो हम चलिए एक एक सीखते हैं सारे वर्ड। जैसे ये एप्लीकेशन है, तो फिलहाल हम एप्लीकेशन को स्किप करते हैं, हम शुरू करते हैं वर्कबुक से। किसे शुरू करते हैं, वर्क बुक से। तो अगर किसी फाइल को ऐड करना, अब मैं एक बार दो डबल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आपको दिखे कि क्या हो रहा है। मान लीजिए मुझे एक नई फाइल ऐड करनी, तो मैं यहां लिखूंगा वर्क बुक डॉट एड, एक नई फाइल ऐड। अब इसको रन करने के लिए एक अलग माइक्रो में रन होगा, क्योंकि तो ऊपर कुछ लिखे हो तो वर्क नहीं करेगा ना, क्योंकि तो जब भी रन होगा तो सब कुछ रन होगा। तो एक और माइक्रो हमने बनाया और हमने बोला वर्कबुक डॉट एड। अब इस माइक्रो को रन करेंगे तो मुझे एक नई फाइल ऐड कर, ऐड कर दिया। तो हमने जाना कि अगर आपको एक नई फाइल ओपन करनी हो तो उसके लिए कोड क्या लिखेंगे, वर्कबुक डॉट। तो वर्कबुक क्या हो गया, वर्कबुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एड क्या हो गया, मेंबर। या ऐसे कह सकते हैं कि कहां पे क्या करना है। अब जो वर्कबुक हमने एड किया है उसी को सेव कर, हालांकि वर्कबुक को सेव करने का कोड, सेव एज करने का कोड होता है वर्कबुक्स, इसके अंदर कौन सा बुक, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है,
हमने वर्कबुक ऐड किया जिसमें ऑब्जेक्ट फिक्स है कि नई फाइल खोलनी है, पर सेव एज करते समय हमें बताना होगा कि कौन सी फाइल, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो यहां देंगे बुक वन डॉट एक्सलेस एक्स डॉट सेव एज, और यहां पे किस ड्राइव के अंदर, किस फोल्डर के अंदर, किस नाम से और किस एक्सटेंशन से सेव करना। तो हमने यहां पे लिख दिया सेव करना। अब एक कोड मैं इस पे चलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक फाइल क्रिएट हो और सेव हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा कहीं से लाके एक फाइल में डालना है, तो पहले फाइल क्रिएट करना होगा, फिर उसको सेव करना होगा, तभी उसमें डेटा डालेंगे। तो सेव करने के लिए एक कोड हम रन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी बुक ऐड होगा उसका नाम बुक वन थोड़ी होगा, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर, बुक फाइव, एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। तो एक कोड नहीं कर सकते। तो जैसे हम बोलते समय सिचुएशन को भी देखते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना क्या, व्हाट, तो व्हाट का मीनिंग कई सिचुएशन ऐसे थे, गुस्सा में बोलते हैं तो हम उस पर गुस्सा कर रहे हैं, क्या बोला, नहीं सुनते हैं तो बोलते हैं क्या बोला, कंफर्म करने के लिए बोलते हैं क्या बोला। तो हर सिचुएशन में वर्ड का मतलब अलग अलग होता है ना, उसी तरह से कोडिंग करते समय भी कोड का सिचुएशन देखना होता है कि क्या होगा, उसी के हिसाब से कोड जनरेट करते हैं। तो इसमें जो कोड है, कोड है कि एक वर्कबुक को ऐड करना है फिर उसको सेव करना है, तो एक कोड नहीं डाल सकते। तो सिचुएशन ये कहता है कि जो फाइल ऐड होती है वही एक्टिव होती है, एक्टिव मतलब सामने होता है, बाकी तो मिनिमाइज होता है। जैसे मैं अगर फाइल वन को रखा हूं फिर फाइल टू खोला, तो फाइल वन मिनिमाइज हो जाएगा, फाइल वन मैक्सिमाइज होगा। तो फाइल वन क्या हुआ, फाइल वन मिनिमाइज हो गया और फाइल टू एक्टिव हो गया, पर फाइल टू का नाम नहीं पता है तो उसको हम एक्टिव वर्कबुक से लेके चल सकते हैं। तो यहां हम डालेंगे कोड एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, और जहां सेव करना डाले। तो मेंबर जो होता है सब में सेम काम करता है, सेम तरीके से सेम काम करता है, बट ऑब्जेक्ट अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब कि हम वर्कबुक्स को भी यूज कर सकते हैं और एक्टिव वर्कबुक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आता है कि हम इस कोड को जो रन करेंगे तो फाइल ऐड करके इसको सेव कर दें, लेकिन हमने इसमें दो लाइन की होगी, मतलब कि एक ही बात को हम दो बार बोल रहे हैं। जैसे पानी लाओ, गिलास में लाना पीने का, तो तीन, हमने यहां पे तीन सेंटेंस बोल दिए। हम एक बार बोल सकते हैं ना, एक गिलास पीने का पानी लाओ, सेम चीज है। तो एक गिलास पीने का पानी लाओ ऐसा हमने बोला तो एक ही बार में क्लियर हो गया और फिक्स हो गया कि हमें एक गिलास पानी पीने का चाहिए। लेकिन जब तीन बार में बोलते हैं कि एक ही पानी लाओ, तो सामने वाला बंदा पूछेगा गिलास में या बाल्टी में, गिलास में लाओ, पीना है या नहाना है, नहाना है या पीना है, गिलास से तो नहा नहीं सकते। तो ऐसे थिंकिंग एक्सेल नहीं कर सकता। तो ये जो कोड हम कब किए कि जब हम वर्कबुक ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ करना है, जैसे कुछ डेटा डालना है, कुछ चार्ट लगाना है, पेपर लगाना है, कुछ भी लगाना है, सब लगाने के बाद हमें यहां पे सेव करना है। तो उस सिचुएशन में हम इस तरह से लिखेंगे कि हम वर्कबुक ऐड करेंगे देन उसको सेव एज। अब इसके आप इसके इससे फायदा होगा कि ऐड करने के बाद जो कुछ डालना है आप इसमें डाल के फिर लास्ट में सेव एज कर लो। लेकिन आपका फिक्स है कि मुझे 1, 2, 3 नाम का फाइल चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मैं साफ बोल रहा हूं कि एक गिलास पीने का पानी लाओ, तो मैं यहां पे डायरेक्ट कोड डालूंगा कि वर्कबुक्स डॉट एड डॉट सेव एज, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेरा जो दो लाइन का कोड था वो एक लाइन में, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचा, क्योंकि जितना कम लाइन का कोड होगा आपका माइक्रो उतना जल्दी उतना फास्ट वर्क करेगा,
समझ गए। और जितना लाइन ऑफ कोड कम होगा उतना इन फ्यूचर में उसको एडिट करने में मॉडिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लीजिए कि आपके पास 5 पेजों का 500 लाइनों का कोड है, उसमें कुछ चेंज करना है, तो सबसे पहले कि आप जो चेंज करना चाहते हो लाइन जब तक नहीं मिलता है तब तक पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि जो जिस कोड को चेंज करना है वो 599 नंबर का लाइन हो, तो पूरा 500 लाइन पढ़ना पड़ गया। लेकिन अगर उसी 500 लाइन के कोड को अगर आप 20-25 लाइनों में लिख देते हैं तो आपको एडिट करते समय आपके पास थोड़ा सा कम होगा। दूसरा चीज, वो माइक्रो बहुत फास्ट काम करेगा, स्लो नहीं होगा, हैंग नहीं होगा। इसलिए आप जब प्रोग्रामिंग करें तो देखें कि आपका सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोड को लिखें। अब इस कोड, हर कोड में बेनिफिट भी है तो लॉस्ट भी है। अब जैसे इस कोड में लॉस था कि 2 लाइनों का कोड है, 2 बार चलेगा, डबल टाइम स्पेंड होगा, और दूसरा लाइन ऑफ कोड बढ़ गया। लेकिन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि हम वर्कबुक ऐड करने के बाद इसमें और कुछ डाल के फाइनली हम सेव कर सकते हैं। बट इसमें क्या हो गया, ये फाइल डायरेक्टली सेव कर दिया। अगर इस फाइल में हम कुछ और डालेंगे तो फिर मुझे सेव का कोड डालना पड़ेगा, क्योंकि तो एक बार सेव एज कर दें फिर उसके अंदर कुछ काम करें, तो जब तक उसको हम सेव ना करेंगे तब तक डेटा सेव नहीं होगा। तो आपको कोड को हर एंगल से देना। तो आपने अभी सीखा कि कैसे एक नई फाइल को ऐड करेंगे, कैसे किसी भी फाइल को सेव एज करेंगे, और कैसे आप एक फाइल को ऐड करके डायरेक्टली उसको सेव एज कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सर ये जो एक लाइन में जो कोड लिखा है वो भी workbooks.add.save as ही होगा ना, सेव नहीं होगा वहां पर भी सेव एज ही आएगा। दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, और थैंक्स फॉर अपडेट किया आपने मुझे। सॉरी सर, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कोडिंग का इसके लिए आपको। ठीक है, सेव एज। अब फाइल को सेव करना है, जस्ट सेव, नॉट अ सेव एज। तो सेव करने का कोड ए होगा, ए रहा। कि वर्कबुक एक पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है तो इसका इस्तेमाल करें, अगर आपको एक्टिव वर्कबुक को सेव करना है तो इसका इस्तेमाल करें। एक्टिव वर्कबुक जिस पे काम चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है, हमें क्रिएट नहीं करनी है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा, तो यहां लिखेंगे workbooks.open और जहां से फाइल ओपन करनी है उसका पाथ। अगर फाइल के अंदर में पासवर्ड वगैरह लगाया तो जब स्पेस मारेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग पे डाल दिया है और कॉमा करके आप पासवर्ड पे जा सकते हैं। कॉमा कॉमा देख रहे, बोल्ड हो रहा है कॉमा, और जो पासवर्ड डाल, नंबर है तो डायरेक्ट डाल दीजिए, टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा करते हैं, आपका फाइल ओपन हो जाएगा। और जो फाइल ओपन होती है वही सुजीत जी इसमें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट के बीच में, ये जो आपने पासवर्ड वाला जो चेंज वहां पर डाला जैसे 12 में, तो मतलब उस फाइल में ये पासवर्ड होना पड़ेगा तो ये पासवर्ड ओपन होगा, या फिर वो ओपन करने के टाइम हमें पूछेगा कि पासवर्ड नहीं है कैसे डालेंगे? सेम थिंग ये बताओ, ऑटोमेटिकली सेम इन सेम थिंग। अब सेव बैच करते समय आप देख रहा है पासवर्ड है ना, फाइल फाइल फॉर्मेट एंड पासवर्ड दिखा, और फाइल पासवर्ड के साथ सेव बैच होगी, पासवर्ड भी है आपका, रीड राइट पासवर्ड डालना है तो रीड राइट पासवर्ड क्या होगा, जब आप फाइल किसी फाइल को, किसी भी फाइल को जब आप करते हैं सेव एज, तो यहाँ पासवर्ड डालने के लिए कहाँ जाना होता है, टूल्स में जनरल ऑप्शन, यहाँ आपका पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, यहाँ है ना, रीड ओनली राइट, इससे क्या होगा, रीड ओनली रिकमेंडेड, ओपन पासवर्ड समझ गया, आपके पास रीड ओनली पासवर्ड नहीं है तो रीड ओनली ओपन करने का एक पॉपअप एक बटन दे देगा, इस पे क्लिक करते ही फाइल रीड ओनली में, रीड ओनली ओपन में क्या फायदा होता है कि सब कुछ कर सकते हैं बट फाइल को सेव नहीं कर सकते।
समझ गया। तो ये चीज है, लेकिन जो डिटेल की, जो कोड की जो डिटेल्स है हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इतना डीप में जाने लगा तो फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे और जब कोडिंग करेंगे नहीं चलेगा तो इरिटेट हो जाएंगे और फिर कोड से दूरी बना लेंगे। इसलिए अभी आपको सिंपल चीजें बता रहा समझा हूँ। मैं। तो हमने फाइल को, वर्कबुक को ओपन किया। अब फाइल जब ओपन होगी तो उसको क्लोज भी करना होगा कभी ना कभी। जैसे आपके पास 10 फाइलें हैं, 10 फाइलों से डेटा उठाना है और पेस्ट करना है। एक बार में 10 फाइलों से डेटा तो उठेगा नहीं, हमें डेटा तो वन ना। बाई वन उठाना होगा। क्या जब हम राइट। वन बाई वन फाइल को जब उठाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा सर? कि एक बार फाइल ओपन होगा, फाइल ओपन हुआ, फाइल ओपन होने के बाद हमने उसको कॉपी करके डेटा डाला, फिर हम उस फाइल को क्लोज तो करेंगे ना, वरना क्या होगा, 100 फाइल एक साथ ओपन हो जाएगा। हाँ क्लोज करेंगे अगर ऑब्वियस। ऐसे 100 फाइल हो तो 100 फाइल ओपन हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्सेल होगा हैंग, और हैंग होने के बाद होगा कोड आपका वर्क सही से करेगा नहीं। इसलिए हमें फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो फाइल को क्लोज करने का कोड होता है वर्क बुक्स। कौन सा फाइल क्लोज करना है? अगर फाइल का नेम पता है तो उसका नेम विथ एक्सटेंशन डाल दीजिए और डॉट कीजिए क्लोज। अब क्लोज करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको करना होगा सेव और सेव एज। जैसे ही फाइल को हम यहां से क्लोज करते हैं, मुझसे पूछता है ना डू वांट टू सेव, अगर मुझे सेव पे क्लिक करना है तो मुझे यहां करना होगा ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स। अब फाइल का नेम ना पता है लेकिन पता है कि आपका फाइल एक्टिवेटेड है, उसी पे काम चल रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज और यहां पे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स डालना जरूरी नहीं, अगर नहीं डालेंगे फाइल सेव नहीं होगा तो फिर माइक्रो रुक जाएगा, पॉपअप आएगा सेव करने का, जब सेव पे क्लिक करेंगे तब तो आपका आगे बढ़ेगा, मतलब कि आपकी ऑटोमेशन ब्रेक हो जाएगी, आपको मैनुअली इंटरफेस देना पड़ेगा। तो इसलिए पहले चीज को डिसाइड कर लीजिए। तो हमने फाइल को ओपन करना और क्लोज करना दोनों सीख लिया। अब बात करते हैं मुझे एक फाइल से दूसरे फाइल पे कैसे जाएंगे। जने लोग ऑल टाइप करके जाते हैं ना यहाँ, या यहां से जाते हैं, क्योंकि तो आपने अगर मान लीजिए कि मुझे फाइल वन में फाइल टू का डेटा पेस्ट करना है, तो फाइल वन को, फाइल टू को आप ओपन करेंगे, क्योंकि फाइल वन तो ऑलरेडी ओपन है आपका, फाइल टू आपने ओपन किया तो एक्टिवेट तो आपका फाइल वन टू है ना, वन पे जाना होगा ना पेस्ट करने के लिए। जैसे आप फाइल, जैसे मेरे पास ये है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और हमने मान लीजिए कि एन डेटा फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद एन डेटा फाइल से डेटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर मुझे यहाँ बुक वन में आना होगा ना, तब तो पेस्ट करेंगे। तो हम आते कैसे हैं, ऑल टैब से आते हैं या फिर आते हैं ये माउस पे जाके क्लिक करके आते हैं। तो इसका जो कोड होगा वो होगा वर्क बुक्स और यहां पे कॉपी बुक बुक वन डॉट एक्सएलएस और यहां पे डालेंगे डॉट एक्टिवेट। अच्छा यहां पे आपको बुक वन भी डालेंगे, एक्सटेंशन नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, सिर्फ यहां पे। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ व्यू के अंदर जाते हैं और यहाँ पे स्विच विंडो होता है, दिख रहा है स्विच विंडो, तो यहां भी डालोगे तो ये नंबरिंग दिख रहा है वन एंड टू, तो यहाँ पे अगर वर्कबुक्स में सिर्फ नंबर भी दे दोगे तो चलेगा। या विंडोज के थ्रू भी कर सकते हो कि विंडोज, और विंडोज में आप डाल दीजिए वन टू, या फाइल नेम भी डाल सकते हो एक्टिवेट, इससे भी वर्क करेगा। तो दोनों तरीके से जा सकते, ठीक है, एक फाइल से दूसरे फाइल पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि फाइल को प्रोट्रैक्ट कैसे करें। तो बोले सेव एज करते समय कर ही लेते हैं, लेकिन बगैर सेव एज किए, तो दो तरीके हैं, दो चीजें इसकी है प्रोटेक्शन की, देख लीजिए ध्यान से। जैसे अब यहां पे मैं एक्टिव वर्क में लेके चल रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया ना कि वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक कब यूज करेंगे, वर्कबुक्स और एक्टिव वर्कबुक्स।
जब आपको फाइल का नाम पता है, एक्सटेंशन पता है, तो डू विथ वर्कबुक्स, बट फाइल का नेम एक्सटेंशन ना पता है लेकिन वो फाइल यहाँ एक्टिवेट है तो डू विथ एक्टिव। बाद की जो डॉट क्लोज, डॉट सेव है और जितने भी मेंबर्स हैं वो सब दोनों पे सेम वर्क करते हैं। यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक्स डॉट प्रोटेक्ट और अपने पासवर्ड, ये कौन सा प्रोटेक्शन है? ये जो आपका रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट में जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, जिसको प्रोटेक्ट करने से आपका सीट में कोई एडिट वगैरह नहीं करते, नेम वगैरह, न्यू सीट लेना, कोई चेंज नहीं हो सकता उसमें, स्ट्रक्चर डिसेबल हो जाता है। और उसको वापस अनप्रोटेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? एक्टिव वर्क बुक डॉट अनप्रोटेक्ट और यहां पे हम डालेंगे अपना पासवर्ड। लेकिन मुझे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड लगानी और भी फाइल को बिना सेव एज, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिखेंगे कि एक्टिव वर्क बुक डॉट डॉट, एक मिनट गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे देखें। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोडिंग करें स्मॉल लेटर में, ऐसा क्यों बोला हूं कि स्मॉल लेटर में करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे एक टाइटल केस में चला जाए, अगर टाइटल केस में चला गया इसका मतलब है कि आपका कोड सही है, अगर नहीं गया मतलब आपने कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं या किसी तरह का प्रॉब्लम, ठीक है? राइट सर, ये जो अभी जो लिखा कि एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू 12, इससे इसमें और ऊपर जो हमने किया एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट डॉट 12, ये दोनों का एक्शन सेम है या अलग है? नहीं, ये जो है आपका, ये आपका रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक का इसमें जाके पासवर्ड आता है, जिससे क्या होता है फाइल ओपन होगी, सीट पे भी काम होगा, आप कोई नई सीट इंसर्ट नहीं कर सकते, सीट को डिलीट नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर को करता है। ये आपका ओपनिंग पासवर्ड, ये क्या करता है फाइल मेनू बार के अंदर इन्फो के अंदर यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक यहाँ एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसमें जाके पासवर्ड देता है जो कि बताता है ओपनिंग पासवर्ड, फाइल बगैर पासवर्ड की ओपन ही नहीं होगी। और पासवर्ड मैंने 12 दिया है, इसे डायरेक्ट डाल दिया, नंबर है बट टेक्स्ट होगा, नंबर टेक्स्ट होगा तो इन्वर्टर पर, ठीक है जी सर। अब यहाँ पे देखिए कि इस लाइन से ऊपर कहीं भी मैंने इक्वल का जिक्र नहीं किया, बट इस लाइन में मैंने इक्वल का जिक्र क्यों किया? देखिए हमने आपको बताया कि दो चीजें होती हैं, आपका ऑब्जेक्ट एंड मेंबर, ऑब्जेक्ट और मेंबर, तो ऑब्जेक्ट के तो अलग सिचुएशन पे बदलते रहता है, तो मेंबर भी दो तरह के होते हैं। मेंबर पहला होता है आपका प्रॉपर्टी, सॉरी मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टी। तो ये जो मेथड है, मेथड में हमेशा उसकी डिटेल डालने के लिए स्पेस का यूज होता है, बट प्रॉपर्टीज में इक्वल का यूज होता है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेथड है या प्रॉपर्टी है? तो दो तरीके हैं, पहला स्पेस मारते एक्सप्रेशन नीचे आ गया मतलब मेथड, और प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं होगा। दूसरा, जब आप लगाते हैं जैसे डॉट किए तो ये दिख रहा है लिस्ट आ रहा है, इसमें हैंड का निशान देखिए ऊपर प्रॉपर्टी बार दिख रहा है, तो जो सैंबल है प्रॉपर्टी का सैंबल, और जो ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस दिख रहे हैं वाला, ये क्या होता है? ये होता है आपका मेथड का, इसमें स्पेस डाले, ठीक है? और प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक जो इंफॉर्मेशन देते हैं, दोनों में इक्वल लगता है। यहां क्या हुआ, इसने इस इंफॉर्मेशन वापस लिया, दिया नहीं, ये पासवर्ड वापस तो नहीं करेगा। लेकिन दूसरा है यहां पे एक्टिव वर्क बुक, यहां सॉरी माफ कीजिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया कि f इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम,
ये क्या करेगा, फाइल का नेम F1 पे डाल दे, F पे डाल दे। अब F क्या है, F वेरिएबल है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप्स, या इसको बोल दीजिए कि मैथमेटिक्स में कैसे हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं, एक्स इक्वल टू 100 और जहां पे 100 की एक्स की जरूरत पड़ती है वहां पे 100 का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो फाइल का नेम जो है यहाँ पे सेम हो गया। जैसे कि अगर इसको एक अलग माइक्रो में बताऊं मैं, जैसे यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया सब त्रिपला, नाम ऐसे देता हूँ कुछ भी, और यहाँ पे फाइल कॉपी, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला msg box f, तो क्या होगा कि फाइल का नेम उठाएगा, f पे स्टोर करेगा और मैसेज बॉक्स f की वैल्यू को शो करेगा। सेम उसी तरह से कि आपने x इक्वल टू 100 सपोज कर लिया, x इक्वल x प्लस 10 कर दिया, बाद में जो x लेंगे तो x क्या हो जाएगा 110, क्योंकि 100 पहले था 10 आपने ऐड किया। सेम थिंग यहाँ, ऐसे यहाँ भी सेम होता है। तो यहाँ देखिए ये आ गया, तो टेम्पररली किसी भी रिजल्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल लेते हैं माइक्रो में टेम्पररली। अब टेम्पररी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माइक्रो चलने के बाद एफ का कोई अस्तित्व नहीं होता, एक वेरिएबल उसी माइक्रो के लिए होता है, दूसरे माइक्रो के लिए नहीं होता, ठीक है, समझ गए जी। ऐसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं एफ इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, या एफ इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट फुल नेम, समझे। तो ध्यान रखिएगा, अगर तीन चीजें डाल रहे हैं हम तीनों में सेम लिया है, तो आपको अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स एफ करूं तो लास्ट वाला पॉप अप करेगा, ये दोनों नहीं करेगा क्योंकि ओवरराइट हो जाएगा। अगर तीनों आपको स्टोर करने हैं तो आपको तीनों अलग अलग रखने पड़ेंगे, इसके जी कर दीजिए, इसको एच कर दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम में दिक्कत नहीं, तीनों वेरिएबल अलग होगा। हाँ ठीक है, तो हमने सीखा कि किसी फाइल के ऊपर हम नया फाइल ऐड करते हैं, हम फाइल को सेव या सेव एज करते हैं, हम फाइल ओपन या क्लोज करते हैं, हम फाइल को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हैं, हम फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, इतना ही करते हैं ना सिर्फ फाइल में काम हम, तो बाकी सीट ऐड करना तो सीट का पार्ट हो गया, डेटा डालना रेंज का पार्ट हो गया, तो वो सब उसके पढ़ाएंगे। तो अभी आप इस सारे कोड को एक एक करके कीजिए प्रैक्टिस, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कीजिए, प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप पे या फोन पे मुझसे बात कीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और फिर हम कल जो है इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करके देंगे। शुरुआत में थोड़ा सा स्लोली चलिए, फिर धीरे धीरे हम स्पीड करेंगे।